नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विदिशा के पूर्व सांसद सुषमा स्वराज के निधन पर जिले में शोक की लहर छा गई है। प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री रहे राघव जी ने सुषमा स्वराज के निधन को देश ही नहीं बल्कि विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने सुषमा स्वराज के निधन को व्यक्तिगत रूप से क्षति बताया और कहा कि उनके बीच से उनका पारिवारिक सदस्य चला गया। सुषमा स्वराज के निधन से पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि ही नहीं, आम आदमी भी दुखी है। आज हमारे बीच नहीं रही, उनके साथ जब वो विदेश मंत्री थी और नेता प्रतिपक्ष थी, दोनों टाइम में जनपद अध्यक्ष ग्यारसपुर था, तो दीदी जब भी आती थी तो उनके कार्यक्रम में जाते थे और भोपाल उनको रिसीव करने जाते थे। एक बार हैदरगढ़ में गांव बेलोड में उनका कार्यक्रम था, जो सबसे अधिक वोटों से गांव जीतता था, उसमें वो हेलीकॉप्टर द्वारा जाती थी, तो हेलीकॉप्टर से दीदी के साथ बेलोड से अटाई घड़ा तक साथ में आया था। तो दीदी से मेरी कई बार चर्चा हुई, तो दीदी एक भाई और बहन के रिश्ते के समान सबको रखती थी और दीदी रक्षाबंधन के टाइम जब आती थी तो सभी से राखी बंधवाती थी और जो एक बहन बड़ी बहन का जो फर्ज होता था वो दीदी निभाती थी। दीदी का इस तरह हम सबको छोड़ के जाना पूरे भारतवासियों के साथ विदिशा को भी गहरा धक्का लगा, यहाँ की जनता को। मुझे अच्छी तरह याद है जब दीदी का टिकट विदिशा से हुआ था तो मैं उनसे मिलने के लिए 9 मार्च 2009 को दिल्ली गया था। दीदी ने मुझसे एक घंटे चर्चा करी, मेरे साथ एक कार्यकर्ता और था, विदिशा के बारे में पूछा और जब मैं जाने लगा तो मुझसे बोली कि आप कब निकलेंगे, तो मैंने कहा मैं शाम को सुपर से वापस विदिशा निकलूंगा। उन्होंने नहीं, आप मेरे साथ हवाई जहाज से चलेंगे। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को वो 9 मार्च 2009 को मुझे अच्छी तरह याद है लेकर भोपाल आई हवाई जहाज से। भोपाल में कई लोगों से उन्होंने मिलवाया, मैंने उनका परिचय करवाया और पहली बार 11 मार्च को विदिशा में उनका आगमन हुआ था टिकट के बाद। सुषमा स्वराज जी के निधन की खबर से सारा देश स्तब्ध है और मैं उनको याद करते हुए, वो एक सफल राजनेता हैं रही भारत की, उन्होंने बहुत सारे उपलब्धियां अपने नाम दर्ज की हैं। वो पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं, दूसरी विदेश मंत्री रहीं और उन्होंने अपने कार्यकाल में देश के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे ज़्यादा उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए जो लोग विदेशों में फंसे रहे, वियतनाम वगैरह में, कई देशों में हमारे भारतीयों को उन्होंने रात को 12-12 बजे तक ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने कई लोगों को जो है अपनी जो पासपोर्ट को लेके, किसी विदेश नीति को लेके जो विदेशों में फंसे रहे उनको जो है देश में। दीदी निश्चित ही हमें छोड़ कर चली गई, लेकिन विदिशा शहर के, विदिशा विधान लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम सब ने ये माना था कि दीदी हमारा नेतृत्व करेंगी। इस बार सब लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन उन्होंने लिखित में संसदीय बोर्ड को दे चुकी थी। वो जब 21 फरवरी को विदिशा आई थी तो हम सब लोग कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनसे आग्रह किया, तो उनके एक शब्द थे कि मैं भले ही चुनाव ना लड़ूं लेकिन विदिशा वासियों से, विदिशा संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से और जनता से मेरा सीधा जुड़ाव रहेगा। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।